हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर ललित कुमार, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ ऑटिज्म पर। आज का वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। 2014 में एक रिसर्च आई थी यूनिवर्सिटी ऑफ कोलम्बिया की, जिसका कंक्लूजन था चिल्ड्रन विद ऑटिज्म हैव एक्स्ट्रा साइनेप्सिस इन देयर ब्रेन। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कॉजेज ऑफ ऑटिज्म को। ऑटिज़म का पहला कॉज होता है प्र्यूनिंग, स्लो डाउन इन द प्र्यूनिंग प्रोसेस। प्र्यूनिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे ब्रेन में साइनेप्सिस एलिमिनेट होते हैं एज के साथ। तो ये जब साइनेप्सिस एंड होने की प्रोसेस है, यानी कि प्र्यूनिंग, ये स्लो हो जाती है, जिसके स्लो होने से नंबर ऑफ साइनेप्सिस बढ़ जाते हैं, और जो जिससे कि ऑटिस्टिक फीचर्स आ सकते हैं बच्चों में। इसके अलावा सेल माइग्रेशन, जेनेटिक्स, एबनॉर्मल सेरेबलम फंक्शन और प्री मेच्योरिटी या फिर प्री टर्म डिलीवरी, दैट इज़ बर्थ बिफोर 9 मंथ्स, या फिर हैवी मेटल इंजेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये सब न्यूरो ट्रांसमीटर्स इन सेंसरी इशूज़। न्यूरो ट्रांसमीटर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं ब्रेन में जो मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं, जिनसे रिफ्लेक्स एक्शन होता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जैसे हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ पर लगा, अब वो मैसेज ब्रेन में गया, ब्रेन का रिस्पॉन्स आया कि हाथ पीछे करो, ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है। अब ब्रेन में 3 तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, डोपामाइन, सेरोटोनिन एंड नॉरपिनेफ्राइन। इन तीनों के लेवल में चेंजेस आने से CNS इफेक्ट होता है, और CNS अराउजल, स्लीप, मोटिवेशन और टेंशन को इम्पैक्ट करता है। अब हम सोचेंगे कि इनका ऑटिज्म में क्या रिलेशन है, ऑफकोर्स रिलेशन है। जैसे कि हम देखते हैं ऑटिस्टिक बच्चों में सेल्फ लॉस टेंडेंसी होती है। सेल्फ लॉस टेंडेंसी का रीज़न होता है लो अराउजल लेवल। हम देखते हैं ऑटिस्टिक बच्चों में अटेंशन स्पैन कम होता है, मोटिवेशन टूवर्ड्स एनी टास्क कम होता है, लो होता है, या फिर कई बार लैक ऑफ मोटिवेशन भी होता है, स्पेशली सिटिंग टास्क्स में। इसके अलावा हम ऑटिस्टिक बच्चों में देखते हैं कि उनका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता है। तो ये सारे जो कॉमन फीचर्स हम ऑटिज्म में देखते हैं, और ये कुछ फीचर्स न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर टू मोर पीपल, ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा ले सकें। थैंक यू।